हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं कानपुर के ऐतिहासिक भद्रेश्वर महादेव मंदिर में। दोस्तों, यह मंदिर लाखों ईंटों से निर्मित 9वीं शताब्दी में बना हुआ प्राचीन मंदिर है और अब पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। दोस्तों, यह मंदिर कानपुर जिले के घाटमपुर जहानाबाद मार्ग पर निबिया खेड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राचीनता के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में प्राचीन लखोरी ईंटों से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई हैं जो लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं। इस मंदिर में वैसे तो साल भर भक्त आते हैं, लेकिन सावन में आने वाले भक्तों की संख्या बहुत होती है। सावन के महीने में यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग बलुई रंग का है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर के चारों दिशाओं में 4 छोटे मंदिर स्थापित हैं, जिससे यहाँ पर इस मंदिर का एक अलग ही दृश्य दिखाई देता है। बताया जाता है कि यह मंदिर पंचायतन शैली का है। लखौरी ईंटों से निर्मित इस मंदिर का गर्भगृह अंदर से गोलाकार और बाहर के कोनों के आकार का बना है। मंदिर के मुख्य द्वार के चौखट पर गंगा व यमुना की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के बाहरी भाग में ककई ईंटों से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिसके अंदर का भाग सादा है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि भद्रेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्थित प्रमुख मंदिर का मुख पूर्व की तरफ है, जिससे जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें सबसे पहले मंदिर में पड़ती हैं, जिसका उस समय में कोई महत्व रहा होगा। दोस्तों, इस मंदिर के बगल में ही एक विशाल तालाब है जिसमें पक्के घाट बने हुए हैं। इस तालाब से पानी कभी खत्म नहीं होता। अभी तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है, जबकि इस तालाब में कहीं से कोई भी पानी भरने का स्रोत नहीं है। यह मंदिर पूर्णतः भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। इस मंदिर के चारों ओर खूबसूरत बगीचा है जो इस मंदिर की खूबसूरती को और बढ़ाता है। बगीचे में कई प्रकार के पुष्पों के पौधे हैं, जिनमें से गुलाब प्रमुख है। दोस्तों, इस मंदिर में आने के कई रास्ते हैं। अगर आप कानपुर की तरफ से आते हैं तो कानपुर से जहानाबाद होते हुए आप आ सकते हैं। जहानाबाद से इस मंदिर की दूरी लगभग 5 से 8 किलोमीटर है। इसके अलावा आप कानपुर घाटमपुर होते हुए भी आ सकते हैं। इस मंदिर की दूरी घाटमपुर से लगभग 10 किलोमीटर है। इस मंदिर में आने के लिए सभी जगह से पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और साल के किसी भी महीने में आप यहां पर आ सकते हैं। यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं इस मंदिर के लिए। दोस्तों, इस मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर भीतर गांव में भी एक गुप्तकालीन मंदिर है। उसका वीडियो मेरे चैनल में है, अगर नहीं देखा तो चैनल में विजिट करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और बने रहें हमारे साथ और देखते रहें भारत दर्शन विद आशीष। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और ऐसे ही ऐतिहासिक स्थानों की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।